बोले शेजमल गर्भतार की अपनी मां मेणा देसु हट पकड़। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो, मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो, रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो, रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो, झूठ बोलियो, कर्री चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे। माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अठिन जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी। एक दिन दलजी री लुगाई जार, दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा, कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में राखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो ढागरे ने कनिया जन्मी है, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता। दल जी के दो पुत्र भये, कन्या एक सुजा, प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी भरे साथ में, तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है, भाव भाव रो संबंध है, और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात, प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो कौन सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया। जार माता मैणा दे जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे
मन में विचार कियो कि घर आयो ने नाळेर रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हो, और 1,25,000 री मोहरा दे, और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा के मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि आप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयों में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोकरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तब माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरी लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई। अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई। लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई। मारी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो खम्मा 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 रे कवरे अजी मारा रूणी चेरा राजा ने लो सांभरो जियो खम्मा 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 रे कवरे अजी मारा। रामदेव जी महाराज री 2 महीना थी। मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था, और धनरूप सिंह जी री 2 बेटियां थी, एक रो नाम लाचाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाचाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाचाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ, और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था, और इन वास्ते सुगनाबाई ने 12 साल तक सुगनाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगनाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता थका आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे, बोली बीरा महाराम
के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन बरसे अठीने सुगना भाई उदास उठीने मां उदास तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पोंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो न पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्न राय को वह मरियल सी सांड ले जब पोंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज रे ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज रे कृपा सो पोंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो पुराने जमाने में कई सिस्टम था रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो रत्ना ने ये सारी बातों कोई पतो नहीं रत्नो जो ही पोंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो सामने सुगना भाई जब पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आज कौन है थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम काई है रत्नो बोले कि ओ तो मु रत्नो कठू आयो बोले कि रामदेव रासु मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया अरे उनरे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे उनरे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे घेरोला केतड़ी रे माई जियो घेरोला केतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो रुणी चेरा राजा है लो सा